अस्सलाम वालेकुम। केएसई 100 में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्क्रिप्ट्स के बारे में भी आज कुछ डिस्कस करेंगे जो अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने तकरीबन 10 दिन पहले डिस्कशन की थी मार्केट के बिगर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें जो केएसई 100 का वीकली एनालिसिस किया था कि जिस साइकिल में अभी हम चल रहे हैं जो पिछले कुछ अर्से से शुरू हुआ है तकरीबन कम से कम इसको एक साल मजीद लगेगा। शॉर्ट लिव्ड रिकवरीज पुल बैक्स वगैरह आते रहेंगे लेकिन जो ये अभी साइकिल चल रहा है तो इसकी सारी डिटेल हमने एक बिगर पर्सपेक्टिव जो मार्केट का लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मार्केट को डिस्कस करने से पहले, स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो इवेंट्स हैं आगे आने वाले उनको डिस्कस कर लेते हैं जो मार्केट को अभी इफेक्ट कर रहे हैं। 10 जून को बजट आ रहा है और ये बजट डेफिनेटली सियासी नहीं होने वाला। जिस तरह लास्ट बजट सियासी था और लास्ट बजट की सबसे जो मेन कह लें कि उसकी खसूसियत थी कि बजट आने से पहले मार्केट ने बहुत बड़ी रैली पोस्ट की थी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये जब रैली हुई थी इस रैली से पहले बजट आने से पहले इस चीज़ के बारे में एनालिसिस दिया था कि मार्केट आगे जो भी बजट आ रहा है मार्केट उसको प्राइस इन कर चुकी है और उसके बाद फिर 49 और 50 हज़ार की आवाज़ें और उसके बाद आज तक वो रेट जो है नहीं आए जो मार्केट ने अपना हाई 49,000 का लगाया था। तो बजट इस दफ़ा डिक्टेट कर रहा है आईएमएफ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो आगे आने वाली न्यूज़ हैं जिस तरह से बजट है, आईएमएफ रिव्यू है, एफएटीएफ है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सारी बैड न्यूज़, ये वो चीज़ें हैं जो क्लियर हैं, इनमें कुछ सरप्राइज नहीं है। मार्केट इन सब को डिस्काउंट ऑलरेडी कर रही है। बजट जो आगे आपका आ रहा है उसमें अगर टैक्सेस लगेंगे जो कुछ भी होगा मार्केट उसको डिस्काउंट कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है उसमें कुछ अब सरप्राइज होगा। सबको पता है आईएमएफ इसको डिक्टेट कर रहा है बजट को और इसमें टैक्सेस लगेंगे और इसमें कोई रिलीफ वगैरह खास कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस हिसाब से लास्ट बजट की जो खसूसियत थी कि बजट आने से पहले मार्केट ने रैली दी थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है, ये मैं बोल्ड लेटर्स के अंदर कह रहा हूँ, कि इस दफ़ा शायद बजट आने के बाद मार्केट रैली करेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट उसको पहले डिस्काउंट कर रही है जो आगे बुरी चीज़ें होने वाली हैं या हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो जैसा से इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और दूसरी सारी चीज़ें। उसके बाद फिर 15 जून को आपका आईएमएफ का रिव्यू होगा, ये बजट के बाद कुछ दिन के बाद। फिर एफएटीएफ सेशन होगा, 13 से 17 जून को मीटिंग है इनकी। अच्छा, इसको लेके भी बड़ी हाइप बनी हुई है कि हम एफएटीएफ से इस दफ़ा निकल जाएंगे और ये मार्केट के लिए ट्रिगर हो सकता है। मेरे ख्याल से मार्केट के लिए ट्रिगर जो है ना, अगर हुआ तो वो ये जो आपके माशी इशारे जब तक दुरुस्त नहीं होंगे जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स और का जो साइकिल चला हुआ है और आपकी जो करेंसी है ये स्टेबल जब तक नहीं होती आपके फॉरेन इन्फ्लोज नहीं आने वाले, ठीक है। करेंसी आपकी स्टेबल नहीं थी, इसी वजह से जब 105 से 200 रुपये तक डॉलर गया तो गोरे को डबल लॉस हुआ करेंसी की सूरत में, तो इस वजह से आउटफ्लोज वो करता रहा, आज तक वो वापस नहीं आया क्योंकि आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है। ऑल्दो के आपकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है और जो डिविडेंड यील्ड है वो एशिया में डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है और प्राइस टू अर्निंग सबसे कम है, उसके बावजूद भी इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक अनरेस्ट है जो आपकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो एफएटीएफ के बारे में बता दूं, इसकी हिस्ट्री रही है, ये आप जाके चार्ट पे देख लीजिएगा, गूगल से जाके डेट निकाल लीजिएगा। जब भी हम वाइट लिस्ट में शामिल हुए हैं या जब भी हम ग्रे लिस्ट में गए हैं मार्केट ने उस पर कभी भी हिस्ट्री में कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक मुल्क को इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम हिस्ट्री को अगर देखें 2 से 3 दफ़ा ये हमारे साथ हुआ है। पहले हम ग्रे लिस्ट में गए, फिर हम वाइल्ड लिस्ट में गए और उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर ग्रे लिस्ट में गए, लेकिन तीनों दफ़ा मार्केट ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया हुआ इस इवेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको लेके ये हाई बना लेना कि भाई इसके ऊपर मार्केट चलेगी, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए बेहतर होना माशी इशारियों का और लोन आपको मिल जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, आपको सस्ता तेल, गैस, LNG की ऊपर कुछ सब्सिडी मिल जाए, तो ये इन चीज़ों से मार्केट को बेनिफिट होगा। ये इस चीज़ का मार्केट जो है इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट लेगी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है 7 जुलाई को, वो खैर अभी काफ़ी दूर है, 1 महीना दूर है, लेकिन ये अंडरस्टूड सी चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट का साइकिल आप ऊपर की तरफ चल रहा है, आपका पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, 50% जो बिजली प्राइसेस बढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है अभी जो 13.5% के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन है वो इस गैस, बिजली और पेट्रोल की वजह से वो शायद 16% के अराउंड कुछ जाएगी, ठीक है। बहुत बड़ा एक स्पाइक आने वाले एक महीने के अंदर, डेढ़ महीने के अंदर नजर आएगा इन्फ्लेशन के नंबर्स में, सीपीआई के अंदर। लेकिन ये सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि इस चीज को मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। मार्केट ने बिजली की प्राइसेस को, गैस की प्राइसेस को, उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस को, इनको डिस्काउंट किया। तो ये इवेंचुअली ये सारी चीजें मिलकर इन्फ्लेशन बन रही है, ठीक है। और इन्फ्लेशन के बाद फिर अगला मरहला आता है इंटरेस्ट रेट का, तो मार्केट इसको डिस्काउंट कर रही है। जिन चीजों में आप सरप्राइज नहीं रह गया ना, जैसे हमें बजट के बारे में पता है कि इसमें कुछ भी नहीं ऐसा रिलीफ आ रहा, ठीक है। उसके बाद एफएटीएफ का आपको बता दिया, मॉनिटरी पॉलिसी का आपको बता दिया, तो इसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं है, मार्केट इसको डिस्काउंट कर रही है। हाँ, आगे कोई सरप्राइजिंग चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ इतने आपके इकदाम करने के बाद नहीं मानता, ये सरप्राइजिंग है, ठीक है। या खुदा ना खास्ता जो वर्ल्ड वॉर और ये यूक्रेन रशिया की वो एक्सलरेट हो जाती है, उसके अंदर कोई तेजी आ जाती है, या ऐसी कोई भी सरप्राइज एलिमेंट आता है, तो फिर जो आगे अब हम एनालिसिस करने लगे हैं ये इनवैलिड होंगे। इस चीज को क्लियरली याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें आपकी की ड्राइवर्स हैं आपकी मार्केट की इस वक्त, ठीक है। इसी वजह से आपके मार्केट के अंदर इन्फ्लोज नहीं आ रही जब तक ये सारी चीजें सेटल नहीं होती जो आपके साथ अभी डिस्कस किया। तो चलते हैं जरा अपने चार्ट के ऊपर, केएसई 100 के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम पहले कुछ एक दो इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं इंडेक्स को लेके। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो हमें कुछ आइडेंटिकल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जिसको हम डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न कहते हैं। आपको हर ये रैली के बॉटम के ऊपर ये डाइवर्जेंस देखने को नजर आएगी, ठीक है। और करंटली भी अगर आप देखो तो आपको बड़ी एक क्लियर कट मल्टीपल डाइवर्जेंस मार्केट के अंदर नजर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली, डाइवर्जेंस तो सबको नजर आ रही है, लेकिन आप एक चीज देखें, जब भी मार्केट अपने बुलिश साइकिल के अंदर थी, जब मार्केट अपने इस अपसाइड वाले साइकिल में थी, तो मार्केट ने जब भी करेक्शन ली, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें जब भी मार्केट ने करेक्शन ली, जो मेजर करेक्शंस मार्केट ने दो दफा ली हुई है 10% की, इसमें मार्केट ने कभी भी डाइवर्जेंस फॉर्म नहीं की। ये आपको एक चीज बता दूं, जब भी मार्केट अपने बुलिश साइकिल में होगी वो कभी भी इंडेक्स पे, डेली के चार्ट पे डाइवर्जेंस फॉर्म नहीं करती, ठीक है। वो रैली करती है, एक स्टीप डाउन ट्रेंड, आप एक डाउन साइड दिखाती है करेक्शन की सूरत में, कंसोलिडेट करके और दोबारा ऊपर चलने लग पड़ती है। जब डाइवर्जेंस इंडेक्स में बने डेली के चार्ट के ऊपर और उस वक्त प्रोबेबली मार्केट का साइकिल चेंज हो चुका होता है, तब मार्केट अपने लोअर लोज की तरफ जा रही होती है, और वही साइकिल जो हमने लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो के अंदर वीकली एनालिसिस में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो मार्केट हमारी अब उस बेरिश साइकिल में है, और अब बेरिश साइकिल में जब भी आप हिस्ट्री में भी जाके अगर देखोगे ना, जब हमारी 2 साल बेरिश साइकिल में मार्केट रही थी और 53,000 से हमारी मार्केट गिरना शुरू हुई थी, और उसके बाद आपको पता है कंटिन्यूसली लोअर लोज ही लगे थे, तो ये एक साइकिल और तरह का साइकिल था, ठीक है। और ये अभी वाला जो बेरिश साइकिल है ये और तरह का है, इसके अंदर इंडेक्स को जिस तरह से मैनेज किया गया, और वो मैंने आपको बहुत डिटेल से वो चीजें समझाई हुई हैं। 3 सेक्टर्स जो रुके रहे और बाकी सारे जो मेन सेक्टर्स हैं, सीमेंट, स्टील, IT, ऑटो, वो गिरे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा गिर गए। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल सारी मार्केट गिरी थी, जिसके अंदर बैंक्स भी थे, फर्टिलाइजर भी था, E&P भी था, जो मेन स्क्रिप्ट थे, जिसकी वजह से इंडेक्स आपका इतना ज्यादा गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट अपने बेरिश साइकिल में आई तो आपको हर जगह पे यहाँ पे नीचे बुलिश डाइवर्जेंसेस आपको देखने को नजर आएंगी। हर बॉटम के ऊपर आपको बुलिश डाइवर्जेंसेस देखने को नजर आएंगी। लेकिन जब भी बुलिश साइकिल में होगी मार्केट, जिस तरह से इस अपसाइड पे है मार्केट, या फिर ये जो करंट अपसाइड है यहाँ पे और इस अपसाइड में भी, इवन आपको कभी भी बुलिश डाइवर्जेंस करेक्शन के बाद नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी हमें करेक्शन के बाद बुलिश डाइवर्जेंस जब भी नजर आई है, क्योंकि साइकिल चेंज हो चुका है, एक बेरिश साइकिल चल रहा है मार्केट का, तो हमें डाइवर्जेंस मिलती है और मार्केट एक पुल बैक लेती है, डाइवर्जेंस मिलती है, मार्केट पुल बैक लेती है, डाइवर्जेंस मिलती है, मार्केट पुल बैक लेती है। और करंटली भी हम देखें तो एक जबरदस्त मल्टीपल डाइवर्जेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये एक बहुत ही वैलिड और मेन पॉइंट है मार्केट का। दूसरा, उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट माइनस हुई। तो वहां पर भी अब एक चीज समझने वाली है, कि कुछ मेन स्टॉक्स गिरे थे जिनकी इंडेक्स में वेटेज ज्यादा थी, जिस तरह से एंग्रो था, जिस तरह से लकी सीमेंट था शायद, और इसके अलावा आईएनआईएल था, इस तरह के 2-3 स्टॉक्स और थे, उनकी वजह से इंडेक्स ज्यादा ड्रैग हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम मेन स्क्रिप्ट्स को देखा जाए जिसमें सीमेंट, स्टील, आईटी, ऑटो के मेन स्क्रिप्ट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, तो वो इवन के फ्लोर भी नहीं लगे, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर अब लिक्विडिटी जो है ना इन बोर्ड आइटम्स में जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, 50-60% गिर चुके हैं, इनमें लिक्विडिटी ड्राई होगी, इनके अंदर जगह बहुत कम रह गई है। ठीक है, और जो डाइवर्जेंस है वो भी इसी चीज को इंडिकेट करती है कि जब मार्केट ने अपना ट्रैक चेंज करना होता है, ठीक है, तो उस स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए जिस चीज की हमें इंडिकेशन सबसे पहले मिलती है ना वो डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस हमें ये बताती है कि जिस ट्रैक के ऊपर मार्केट तेजी के साथ चल रही है अब उसकी स्पीड स्लो डाउन होने जा रही है और मार्केट ट्रैक अपना चेंज करेगी। अच्छा, ट्रैक चेंज करने से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड एक और चीज है, वो जो आम लोग ट्रेंड से मुराद लेते हैं ना कि आज 1000 पॉइंट प्लस हो गई, 2000 पॉइंट प्लस हो गई थी, इसको ट्रेंड चेंजिंग नहीं कहते। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट रिकवरी करती है, ठीक है, जो आपका 41,000 के अराउंड मार्केट चल रही है और मार्केट यहाँ से इवन के 45,000 भी चली जाती है आपकी मार्केट, ठीक है, तो इसको अप ट्रेंड नहीं कहेंगे। ठीक है, जिस तरह से आप ये कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट करेक्ट करती है, एक जबरदस्त किस्म का आपको स्पाइक दिखाती है, यहाँ पे भी करेक्ट किया, स्पाइक दिखाया, ठीक है, करेक्ट किया, स्पाइक दिखाया, इसको स्पाइक कह सकते हैं, वी शेप रिकवरी कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं कह सकते। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और जब तक ये साइकिल चल रहा है, जो हमने लास्ट वीडियो में एक साइकिल को डिस्कस किया था, जब तक ये चल रहा है आपको मार्केट के अंदर पुल बैक्स, शॉर्ट लिव रिकवरीज ये मिलती रहेंगी और एग्रेसिव रिकवरीज मिलेंगी, ठीक है, एग्रेसिव डाउन साइड के बाद। लेकिन वो इसी तरह से रिकवरीज होंगी, वो 3000 पॉइंट, 4000 पॉइंट तक हो सकती हैं, लेकिन वो अप ट्रेंड नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर 30 मिनट के चार्ट के ऊपर वो आपको अप ट्रेंड नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब लेवल्स को जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है वो 40,800 है। अगर सोशल मीडिया पे आप देखें ना तो काफी डिस्कस हो रहा है 39,000 का लेवल के मार्केट यहाँ पे जा रही है। अब देखें जिस सिचुएशन में आपकी मार्केट है और जो आपको शुरू में पैटर्न दिखाया है डाइवर्जेंस के हवाले से और जिस तरह से अभी मल्टीपल डाइवर्जेंस मान के मार्केट का इंडेक्स जितना स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 39,000 का जो लेवल है वो बहुत कॉमन बन चुका है। ठीक है, यहाँ से इंडेक्स को अगर ड्रैग करना है 40,800 से नीचे जो लेवल आपको बताया है, तो कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर होगा तो मार्केट वहां तक जाएगी, अदरवाइज वहां पे मार्केट नहीं जाने वाली। ठीक है, ये जो आपको चीजें बताई हैं, बजट, आईएमएफ रिव्यू, एफएटीएफ सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी वो चीजें हैं जो मार्केट के लिए अब सरप्राइज नहीं है। इससे हट के कुछ सरप्राइज आ जाता है, आईएमएफ से हमें ग्रांट नहीं मिलती या इस तरह की कोई भी चीज वर्ल्ड क्राइसिस को लेके कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट होती है तो ही आपकी मार्केट यहाँ से मजीद एक्सेलरेट करेगी। अदरवाइज जैसा मैंने बताया कि फ्राइडे वाले दिन जो आपकी मार्केट नीचे गई, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ड्राई हो गई है, नजर नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है स्टॉक्स के अंदर जो ऑलरेडी 50-60% गिर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर आपने नजर रखनी है। अभी मार्केट 41,500 पे है और 40,800 का लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ से इंशाल्लाह से रिकवरी आती है तो जारी सी बात है उसके लिए आपको रिलीफ चाहिए आईएमएफ की तरफ से और आईएमएफ से रिलीफ मिलेगा तभी आपकी रैंकिंग भी स्टेबल होगी और बाकी जो करेंसी वगैरह है वो भी स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ से जब रिकवरी आती है मार्केट की तो हम रिकवरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, अभी मैं अगर एक नंबर दे दूंगा तो हर बंदा वो उसी नंबर को फोकस करेगा, जो बाकी सारा सिनेरियो बताया उसको नहीं देखेगा। मेरे ख्याल से अभी फोकस करना चाहिए आपको 40,800 के ऊपर जो बॉटम का लेवल बताया। ठीक है, जहां से रिकवरी इनिशिएट होती है तो उसके बाद फिर हम आगे वाले लेवल्स जो है इंडेक्स के आपको मैं दूंगा कि यहाँ तक इंडेक्स जो है रिकवर कर सकता है। अभी कुछ स्क्रिप्ट्स को देखते हैं, कुछ अच्छे सेटअप्स को देखते हैं। फिर कह रहा हूँ ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये कि इसके अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया कि कोई भी अब सरप्राइज फैक्टर अगर आ जाता है, अगर कोई सरप्राइज फैक्टर आ जाता है तो ये चीजें इनवैलिड होंगी, जिसकी चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट मोस्टली चीजों को प्राइस इन कर चुकी है। ठीक है, तो जरा देखते हैं स्क्रिप्ट्स को। हर सेक्टर से एक स्क्रिप्ट मैंने लिया है, बाकी आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कुछ सेटअप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेपल लीफ को देखें तो ये 50 रुपये से तकरीबन ड्रॉप हुआ और पहला इसने स्टॉप जो लगाया था वो 31 रुपीज़ के ऊपर लगाया था। 31 रुपीज़ से इसने एक रिकवरी दी थी 41 रुपीज़ तक। इसकी नेचर यही रही है, जब भी ये रिकवर करता है बहुत इम्पल्सिव रिकवरी देता है, बहुत एग्रेसिव रिकवरी देता है। फर्स्ट ड्रॉप इसका 38% का था, जिसके बाद इसने फिर एक 30% की रिकवरी दी थी। उसके बाद सेकेंड जो ड्रॉप है इसका, ये चला हुआ है तकरीबन 38 रुपये से 38-39 रुपये से, और ये भी अभी तक जो इसने बॉटम लगाया मेपल लीफ ने तकरीबन 23 रुपये 70 पैसे का, तो ये भी 38% फर्दर ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से रिकवरी आती है, मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव होते हैं, तो ये आपको अराउंड 31 रुपीज़ तक रिकवर होता हुआ नज़र आ सकता है। जो बॉटम लेवल्स है ना, हमें उनके ऊपर फोकस करना है। इसके जो मेजर डाउन साइड पे लेवल हैं वो 23-24 रुपीज़ के ये लेवल हैं जहाँ पे ये अभी कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो 23 और 24 रुपीज़, तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ से जब रिकवरी आती है तो प्रीवियस जो मेजर लेवल्स थे उसको जाके ये हिट कर सकता है। उसके बाद अगर हम स्टील में देखें तो स्टील में आईएनआईएल के अंदर भी आपको कुछ इसी तरह का सेटअप नजर आएगा। पहला ड्रॉप इसका 32% का था, सेकंड ड्रॉप 30% का, थर्ड ड्रॉप 30%, अभी ये फोर्थ ड्रॉप हुआ है इसके अंदर, ये भी 30% का हुआ है। अच्छा, ये मेपल लीफ भी आपके साथ शेयर किया और आईएनआईएल भी, जो आइडेंटिकल पैटर्न हमने बनाया जाके केएसई 100 में, वो इन सब में बन रहा है। ठीक है, वो सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कि कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है सिंपल सा, वो आपके साथ मैं शेयर सिर्फ कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब मार्केट के अंदर सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो इसके अंदर जब रिकवरी आएगी तो ये 125 के अराउंड ये भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, अब ये जितनी भी अभी आपके साथ स्टॉक्स शेयर कर रहा हूँ, पहले मेपल लीफ अभी आईएनआईएल, ये सिर्फ रिकवरीज होंगी। ठीक है, ये ट्रैक चेंज नहीं होंगे फिलहाल। अब देखिए इसके अंदर मैं वो स्क्रिप्ट भी ऐड कर रहा हूँ, मेपल लीफ भी किया, आईएनआईएल भी, जिनके ऊपर हैवी डेट्स हैं। ठीक है, जिन्होंने फाइनेंस कॉस्ट पे करनी है, फाइनेंस कॉस्ट की वजह से जिनके प्रॉफिट्स श्रिंक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उन स्टॉक्स को भी ऐड किया हुआ है। अब जिनको फाइनेंस कॉस्ट की वजह से हिट पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवर नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मेपल लीफ या आईएनआईएल यहाँ से गिरता जा रहा है और नीचे जाके बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बीच में पुल बैक्स हमें देखने को नजर आते हैं, और यही पुल बैक्स की बात कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव होगा तो यही पुल बैक मार्केट के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर भी देखने को नजर आएगा। ये मैटर नहीं करती चीज़ कि किस स्क्रिप्ट को कितना डंट पड़ रहा है फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से। ठीक है, सारे स्क्रिप्ट्स जो है ना रिकवर करेंगे जब सेंटीमेंट इंप्रूव होंगे, लेकिन ये जस्ट एक इम्पल्सिव रिकवरी होगी। ठीक है, ट्रैक चेंज नहीं होगा, तो ये बात क्लियर रखें। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जीएचएनआई को देखें, तो जीएचएनआई का जो फर्स्ट ड्रॉप था जो 330 रुपये से उसने दिया था, वो तकरीबन 49% का इसका ड्रॉप था। इसके अंदर भी वही डाइवर्जेंस, मल्टीपल डाइवर्जेंसेस बन रही हैं, मल्टीपल अपने मेजर जोन के पास खड़ा है और बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है, जिस तरह से आप येलो बॉक्स में देख रहे हो। इसका जो कंसोलिडेशन जोन है वो 145 से लेके 125 के दरमियान ये इसका कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, और जब यहाँ से इंपल्सिव रिकवरी आती है तो ये अपने इस कंसोलिडेशन पैटर्न के टॉप को टेस्ट कर सकता है, जो कि 210 रुपए के अराउंड है। ठीक है, तो ये एक जीएचएनआई के अंदर भी सेटअप है। ये वो सेटअप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनके अंदर रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, अगर बात की जाए आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में नेट्सोल को अगर हम देखें, फर्स्ट उसका जो ड्रॉप था 300 रुपये से, वो उसने तकरीबन दिया था 50% का ड्रॉप था, 49% का। उसके बाद सेकंड ड्रॉप आया उसका, फिर दोबारा से 49% का, और अभी थर्ड जो उसका ड्रॉप था वो 42% का ड्रॉप था। तो इसमें भी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को नज़र आ रही हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये काफ़ी देर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से मार्केट के अंदर जब सेंटीमेंट इंप्रूव होगा इंशाल्लाह से, तो इसकी भी हम रिकवरी 120 के अराउंड इसकी भी रिकवरी पॉसिबिलिटी है, जो मेजर जोन है जहां से इसने कंसोलिडेशन अपनी स्टार्ट की थी। और बॉटम्स के जो लेवल हैं जहां पे ये कंसोलिडेट कर रहा है वो 78 से लेके 85। ये इसका एरिया है जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। बॉटम के लेवल्स ये हैं और ऊपर 120 तक जब मार्केट के अंदर इंप्रूव, क्योंकि अब ये जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ अभी, देखने में तो ये जिस तरह की मार्केट के सेंटीमेंट देख के यही लगता है कि यार ये पूरे किस तरह से होंगे, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट गिरती है हमारी तो वो आपको पता है कि सीधा स्ट्रेट ड्रॉप देती है, ठीक है। और जब रिकवरी आती है तो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ हमारी मार्केट की प्राइसेस की मूवमेंट को समझने के लिए, कि इलास्टिक बैंड की तरह हमारी मार्केट की जो स्क्रिप्ट्स हैं और इंडेक्स है इसकी प्राइसेस मूव करती हैं, कि इंडेक्स जो इलास्टिक बैंड है उसको पहले फुल स्ट्रेच कर दिया जाता है, ठीक है, और उसमें बिल्कुल लचक बाकी ना रहे, और एकदम से जब फिर रिकवरी आती है तो उस इलास्टिक को छोड़ा जाता है और तेजी के साथ जिस तरह से वो इलास्टिक बैंड वापस आएगा इसी तरह से तेजी के साथ प्राइसेस में उछाल आता है, ठीक है। तो जब इतनी ज्यादा प्राइसेस आपकी श्रिंक हो चुकी हों, आप वॉल्यूम्स ड्राई हो चुके हों, ठीक है, तो जब रिकवरी आएगी तो वो इनिशियल रिकवरी जो स्टॉक्स के अंदर आती है वो 20 से 30% के बीच में आती है, ठीक है। तो 20 से 30% की रिकवरी स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, स्टॉक्स के अंदर 20 से 30% की रिकवरी कोई बड़ी बात नहीं होती। बोर्ड आइटम्स की बात कर रहा हूँ, ये ड्राई वॉल्यूम्स वाले स्क्रिप्ट्स की बात नहीं कर रहा। इसके बाद अगर हम कोई और स्टॉक देखें तो यहाँ पे हम HTL को देखते हैं। तो HTL में भी अगर देखें, फर्स्ट ड्रॉप इसका 40% का था, सेकेंड ड्रॉप 33% का, फिर उसके बाद थर्ड जो ड्रॉप हुआ इसका वो 40% का इसका ड्रॉप हुआ। इसमें भी हमें देखने को सिमिलरिटीज नज़र आ रही हैं। बॉटम के ऊपर अच्छी खासी कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है। बॉटम्स के अगर इसके लेवल्स की बात की जाए जहाँ पे कंसोलिडेशन की बेस है तो ये 36 रुपीज़ का एरिया है, 36 to 39 रुपीज़, ठीक है। ये इसका एरिया है जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से रिकवरी आती है तो एक इम्पल्सिव रिकवरी। अगर इसको भी आप देखें तो इसकी भी नेचर इसी तरह की है कि ये स्ट्रेट ड्रॉप देता है और रिकवरी भी स्ट्रेट करता है, ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे रिकवरी आती है तो ये 38 इस वक्त इसकी करंट प्राइस है, तो ये अराउंड 48 रुपीज़ के अराउंड अपनी इजीली रिकवरी दे सकता है। इसके बाद पार्क इलेक्ट्रॉन को देखें तो पार्क इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ड्रॉप था 42 रुपीज़ से लेके जो इसका ड्रॉप आया था तकरीबन 30 रुपये तक, ये 30% का ड्रॉप था। सेकंड ड्रॉप इसके जो अंदर आया 31% का, फिर 32% का ड्रॉप, और अभी लास्ट ड्रॉप इसका सबसे बड़ा था जो कि 39% का था, और उसके बाद ये भी उसी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इसके जो बॉटम्स के लेवल्स होंगे वो 14 रुपये 50 पैसे से लेके 15 रुपये 80 पैसे तक, ठीक है। 14 रुपये 50 पैसे से लेके 15 रुपये 80 पैसे, ये इसका एरिया है डाउन साइड पे। और जब रिकवरी आएगी तो ये 21 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है, हम इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यहाँ से मार्केट एकदम से ट्रैक चेंज करेगी और यहाँ से सब कुछ दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसेस के थ्रू मार्केट चलती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मार्केट ने अपने बॉटम्स लगाए और जहाँ से दोबारा चलने लग पड़ी और हायर हाइज लगने लग पड़े, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट के सेंटिमेंट शिफ्ट आता है, जब इम्पल्सिव रिकवरीज आती है ना, तो सेंटिमेंट चेंज होते हैं, जो ट्रेडर्स हैं उनके माइंड के अंदर सेंटिमेंट, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अब दोबारा से मार्केट नीचे आएगी और इतना नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड की मैंने बात नहीं की, ये थ्रू जितने भी स्क्रिप्ट डिस्कस किया, इंडेक्स डिस्कस किया, ये इंपल्सिव रिकवरीज को सिर्फ लेके हमने डिस्कशन की है। फर्दर जब मार्केट के अंदर कोई डेवलपमेंट होगी या मार्केट के अंदर कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ आएगी या फिर मार्केट के अंदर यहाँ से रिकवरी आएगी तो फिर इंशाल्लाह से फर्दर मार्केट को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो लेवल्स बताए हैं मार्केट को लेकर और कुछ स्क्रिप्ट बताए हैं, ये वो स्क्रिप्ट बताए हैं जिनके अंदर रिस्क की रेशो बहुत कम है और रिवॉर्ड जहाँ से मिला तो वो बहुत अच्छा मिल सकता है, 20% के अराउंड मिल सकता है। फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।